ऐसे महिला विरोधी स्त्री विरोधी अपराधी को तुरंत सलाखों के पीछे भेज दिया जाए तो वो कहां पर बैठी हुई है? इतनी शर्म भी नहीं आती है इन स्त्री नेताओं को? अभी 8 मार्च को स्त्री दिवस के दिन बड़ी नौटंकी की जाएगी, बड़ी नौटंकी की जाएगी कि आओ हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। हम वो औरतें हैं जो दिल्ली को चला रही हैं, दिल्ली की आंगनवाड़ियों को चला रही हैं। हम वो औरतें हैं जिसकी वजह से दिल्ली दिल्ली है। हमने अपना काम रोक दिया है, इनकी भूख सरक गई है, क्योंकि हमें डराकर धमकाकर तोड़ नहीं पाए हैं। आखिरी हथियार ऐसे पतित तत्वों का, मर्दवादी सोच से ग्रसित ऐसे कीड़े मकोड़ों का क्या होता है कि औरतों के शरीर पर, औरतों की आजादी पर, औरतों के जहन पर हमला बोलो। इन्हें डर लगता है क्योंकि हम आजाद हैं, इन्हें डर लगता है क्योंकि हम इनकी पैर की जूती बनना इनकार करते हैं। हम ना तो घरों में पैर की जूती बनेंगे और ना डिपार्टमेंट में, हम नहीं बनेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो खुले तौर पर कह रहा है, इनको बहुत सरफरोशी की तमन्ना मन में इनके जग रही है, इनके सर फरोश कर दिया जाए। पता है क्या मतलब है? इनके सर कटवा दिए जाए। ये ओपन थ्रेट, ये खुली धमकियां, ये ऑडियो मैसेज में दे रहे सुपरवाइजर्स और सीडीपीओ को। दिल्ली पुलिस से मैं पूछती हूँ, दिल्ली पुलिस के भाइयों बहनों से, सीआरपीएफ की बहनों से पूछती हूँ, अगर कोई आदमी आपके बारे में, आपकी माओ के बारे में, बहनों के बारे में बच्चलन, लूज, कैरेक्टरलेस, लफंगी जैसे शब्द इस्तेमाल करेगा तो आप क्या सोचोगी? क्या आप नहीं कहोगे इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? इस आदमी का कोई अधिकार नहीं है कि वो महिलाओं और बच्चों के डिपार्टमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर हो। बच्चे ऐसे आदमी से असुरक्षित महसूस करेंगे। औरतें आप जा सकती हैं वापस ऐसे डिपार्टमेंट में, आप जाएंगे।